हेलो दोस्तों, आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रवींद्र जडेजा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ग्राउंड पर ही पत्नी ने छुए रवींद्र जडेजा के पैर, सिर पर पल्लू लेकर बढ़ाया भारतीय संस्कृति का मान। वहीं आखिरी बॉल पर चौका मारने के बाद रवींद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग को चैंपियन बनाया। फाइनल खत्म होने के बाद रिवाबा ने पैर छूकर अपने क्रिकेटर पति का अभिवादन किया। वहीं चेन्नई सुपर किंग को पांचवीं बार आईपीएल चैंपियन बनाने के बाद रवींद्र जडेजा हीरो बन गए हैं। सोमवार रात आखिरी गेंद पर चौका जड़कर जडेजा ने गुजरात टाइटंस के जबड़े से सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि ट्रॉफी भी छीन ली। रवींद्र जडेजा का मनोबल बढ़ाने का उनका परिवार भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद था। मुकाबला खत्म होने के बाद जडेजा की विधायक पत्नी ने क्रिकेटर पति के पैर छुए। चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। साड़ी में सजी रिवाबा को रवींद्र जडेजा ने तुरंत गले लगा लिया। यह पति पत्नी के लिए एक भावुक लम्हा था। बाद में ट्रॉफी के साथ अपनी बेटी को लेकर इस कपल ने कई तस्वीरें भी क्लिक कराई। वहीं इस घटना के पहले भी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां आखिरी ओवर के दौरान रिवाबा काफी तनाव में नजर आ रही हैं। लेकिन विनिंग शॉट लगते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैदान पर इस कपल की बॉन्डिंग और कनेक्शन की कई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इस दौरान जहां अन्य क्रिकेटर की पत्नियां ड्रेस और वेस्टर्न आउटफिट में नजर आई तो रिवाबा साड़ी में खूब जच रही थी। इस दौरान एक पल भी के लिए उनका पल्लू सर से नीचे नहीं आया। रिवाबा वैसे भी अब सार्वजनिक जीवन में आ चुकी हैं। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी की टिकट पर विधायक बन चुकी हैं। इससे पहले भी समाज सेवा में सक्रिय थी। फाइनल में ग्राउंड पर मने जश्न के बाद ड्रेसिंग रूम में जमकर सेलिब्रेशन हुआ, जहां रिवाबा और रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ ट्रॉफी के साथ फोटोज क्लिक कराई। जीत के बाद जहां धोनी ने जडेजा को गोद में उठा लिया था तो जड्डू ने इस जीत को एमएस धोनी को समर्पित किया। ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा उन खिलाड़ियों में से हैं जो आखिरी दम तक हार नहीं मानते। उन्होंने यह बात एक बार फिर साबित कर दिया है। जडेजा ने आईपीएल 2023 के रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की उम्मीदों को चकनाचूर किया और चेन्नई को पांचवीं बार चैंपियन बनाया। सीएसके को आखिरी दो गेंदों पर जीत के लिए 10 रन की दरकार थी। ऐसे में जडेजा ने मोहित शर्मा के खिलाफ छक्का और चौका जड़कर जीत दिलाई। वह 6 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद रहे। फाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। वहीं फाइनल समाप्त होने के बाद जडेजा की जमकर तारीफ हो रही है। उनके वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। जडेजा को अब और एक सामने वीडियो आया है जिसमें वह अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि रिवाबा विधायक हैं। खिताबी मुकाबला समाप्त होने के बाद रिवाबा अपने पति से मिलने के लिए मैदान पर आई। जडेजा ने गले के लिए उनके हाथ बढ़ाया लेकिन रिवाबा ने पहले उनके पैर छुए। इसके बाद रिवाबा और जडेजा गले मिले। रिवाबा के पैर छूने के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर तारीफ की। कुछ लोगों ने लिखा कि यह रिवाबा एक ऐसा दिल जीत लिया क्योंकि यही एक भारतीय संस्कृति है। जडेजा ने चेन्नई के लिए ट्रॉफी जीतने के बाद कहा, मैं इस जीत को सीएसके टीम के एक विशेष सदस्य एमएस धोनी को समर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अद्भुत लग रहा है अपने घरेलू दर्शकों के सामने पांचवा खिताब जीतना। मैं गुजरात से हूं और यह एक विशेष भावना है। मैदान में मौजूद दर्शक शानदार रहे। वे देर रात तक बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। मैं सीएसके के प्रशंसकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जो हमारा समर्थन करने यहाँ आए हैं। सो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।